ताड़े मुझे अभी बुरा लग रहा है आप जरा कहिएगा हनी कहिएगा हनी हाय मोहब्बत कम होने की बजाय क्यों बढ़ती है बढ़ती है यकीन करके फिर भी वो मुझसे क्यों डरती है आए, 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 वो मुझे आज करीब से देखने आई कैसर ये धुंध सारा साल क्यों नहीं पड़ती है जी याले गोर की ओर पर क्या हाल है आपके मैं बिल्कुल ठीक हूँ वैसे आप कैसे हैं बिल्कुल मैं तो वैसे का वैसा ही हूँ बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई जी 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 काफी अरसे ठीक ठाक जो वक्त था कोरोना वाला गुजर गया आराम से हाँ माशाल्लाह अभी गुजर ही रहा है अभी भी गुजर रहा है लेकिन जो गुजरी अभी तक बचे हुए हैं साहिब से आपने बहुत प्रिकॉशन लिया होगा जिसकी वजह से ये कामयाबी अच्छा तो ये महज किस्मत का हाल था मेरे जो डॉक्टर है मेरे फिजिशियन है उन्होंने मुझे पहले ही कह दिया था कि आपको नहीं होने वाला करो ये क्यों आई हैव नो आइडिया आज तक मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने क्यों कहा था बट मैं जनरली अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखती हूँ सप्लीमेंटेशन करती हूँ आई थिंक गिजा आपकी अच्छी हो तो इम्यूनिटी लेवल आपका बेहतर रहता है उसकी वजह से आई थिंक उसकी वजह से वैसे लास्ट टाइम जब आप आई थी आई थिंक आप चले थे साथ की प्रमोशन के वक्त आई थी तो उससे मुझे याद आया चले थे साथ के सर जहांगीर तरीन साहब का क्या हाल है अच्छे ही होंगे अच्छे ही होंगे ये क्या बात हुई सर आपको पता ही नहीं कैसे हैं वो टीवी पे देखते रहते हैं अच्छे ही होंगे सर अच्छा आप भी टीवी पे ही देख रहे हैं मतलब आप हमारे जैसे ही हैं ऐसे ही ये क्या बात हुई वासी साहब पहली बार आप हमारे पास शो पे तशरीफ लाए हैं सर यू हैव सीन द शो जी मैंने देखा हुआ काफी दफा तो आपको अंदाजा तो है बिल्कुल अंदाजा है सर इंज लग रहा है कि मुल्तानों अंग्रेजी सिखाने आया सानू आज तक कोई उस्ताद कामयाब तो नहीं हुआ देखे मैं हो जाऊं मगर वाजिद साहब बड़ी एक आई मस्ट से मैं पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है एंड इफ आई मे टेक द लिबर्टी तो आपके जैसे लोग जो हैं असेंबली में कम नजर आते हैं वो टर्किश ड्रामों में ज्यादा नजर आते हैं और अमूमन रोल भी उनका कोई बिलियनर का होता है जो इस्तंबुल में बहुत बड़ी एम्पायर का मालिक होता है टर्किश वालों ने कहा है कुछ असेंबली में भी चले जाएं चले जाएं। अच्छा वहीं से है ये इंपोर्ट ऐसे ही है टर्किश ड्रामे के अंदर अगर भीतर मेरे ना हो तो मैं खुदकुशी कर लूंगा यार मैंने इतना भी एक स्केच खींचा एक बिलियनर आदमी भीतर केड़ी मसन के किराए दे रही है वैसे कोई है आपको शौक वॉक फनून लतीफा से नहीं सर कभी बिल्कुल भी नहीं तो ये तो सर बड़ी ड्राई जिंदगी ना हुई देख लें सर सारे अगर फनून लतीफा में चले जाएं तो पॉलिटिक्स वाले आपको वैसे मोटे पेटों वाले नजर आएंगे तो इसलिए हमने कहा हम इधर सर तुसी फनून लतीफा जी आ जो पॉलिटिक्स जाके तुसी भेड़े घर कर देने ये वैसे आजकल गिला शिकवा काफी सुनने को मिलता है आपको भी मिलता है या सिर्फ यहीं पे आके हुआ है इनके जबानी ज्यादा सुनते हैं अच्छा आपके हल्के में लोग कुछ ऐसी बात नहीं करते इन्होंने हल्के सिर्फ यही कहते डोनाल्ड ट्रंप नु वोट देते नहीं मगर क्या आपके हल्के में कोई ऐसा गिला शिकवा नहीं है नहीं आजकल सर फैक्टर तो है महंगाई का नो डाउट है बिल्कुल तो लोग काफी उसकी वजह से कंप्लेन भी करते होंगे जाहिर है उसकी वजह से महंगाई के फैक्टर की वजह से लोग तंग हैं काफी तंग हैं और कोई हल आपके जहन में है सर आप सुनते ही रहते हैं कि ये टाइम पिछले करके गए हैं मगर हकीकत यही है कि अगर आप देखें तो 1988 में जब पाकिस्तान का लोन था वो $17 बिलियन था और पिछले इन 40 सालों में वो 120 बिलियन में चला गया है 88% ऑफ टोटल GDP आपका ये लोन चला गया है तो किसी के पास कोई ऐसा मिराकुलस कोई नहीं है कि एक ही दिन में या दो साल में इसको चेंज कर दिया जाए ज़ाहिर है टैक्स लगेंगे महंगाई की लहर भी आएगी उसी की वजह से ही आप सर्वाइव करेंगे सर ये कब तक आएगी महंगाई की लहर ऐसी होनी देर कपड़े मोटे सवा लिए ये सर्दी की लहर के बाद बेहतर हो जाएगी यकीन कर लो कि पेट्रोल इतना महंगा आ गया मैं अपना 1-5 CNG दे करा यार यार वैसे आप मैं नोटिस कर रहा था कि उनकी बात से बहुत एग्री कर रही थी मुझे लगता है नहीं नहीं अच्छा नहीं कर रही थी ओ अच्छा मैंने गलत रीड किया मेरे एहसासात महसूसमेंट्स कुछ ये हैं कि महंगाई की लहर नहीं रही अब तो तूफान आ गया तूफान वो जो सुनामी कहते थे जिसको वो आ गई हुई है कराची में भी उतनी महंगाई है एब्सोल्युटली बहुत महंगाई है कराची में और पेट्रोल आई थिंक अभी और बढ़ गया बिल्कुल और बढ़ा दिया जब तुसी कहंदे ना कराची महंगाई नहीं है ना उठों शॉपिंग करन टुर जाना ही नहीं मगर है वहां पे बहुत ज्यादा एब्सोल्युटली है और आई थिंक इसका हल भी अब निकलना चाहिए अच्छी बात है कि जवाब यहाँ बैठ के दिए जा रहे हैं तो हमें भी पता चले कि क्या आगे का सिलसिला है बिकॉज हम सिर्फ महसूस करते हैं और अब तो खैर साल रह गया है उसके बाद देखते हैं किसको महसूस होता है वो वक्त भी करीब है देखिए जी हमने जाहिर है 1.5 साल बाद अवाम में जाना है महंगाई है जैसे मैंने आज की है कोई शक नहीं है इसमें महंगाई है मगर उसमें फैक्टर्स हैं उसके महंगाई के एक तो इन्फ्लेशन पूरी वर्ल्ड ओवर ये पूरा फिनोमेना है उसके बाद जो आपके डेट्स सर्विंग है आप PTI की गवर्नमेंट ने जितने भी डेट्स लोन लिए हैं IMF से या प्रोग्राम जो चल रहे हैं वो सिर्फ डेट सर्विंग में है
जितने आपके पिछलों ने लोन लिए थे वो सारे उनको वापस करने के लिए वो लोन लिए जा रहे हैं। ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं जो समझ ना आए जी। जब आप लोन लेंगे, बहुत ज़्यादा लोन लेंगे, अपने इदारे प्लाज हुए हैं, हमारे मोटरवेज प्लाज हुए हैं, हमारी पीटीवी की इमारत प्लाज हुई हैं, और लोन लेते गए और आवाम को अफ्यून की तरह सब्सिडी देते गए, आवाम अब उस चीज़ की आदी हो गई। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमने एक्सपोर्ट बढ़ानी है, इम्पोर्ट कम करनी है। आप ये देखें पूरी दुनिया में, आप भी जाते होंगे, मैंने भी देखा है, सुई तक हमारे मुल्क में इम्पोर्ट होती है। हमने कभी नहीं सोचा कि हम अपने कारखाने लगा दें। जब आप इम्पोर्ट करते हैं तो ज़ाहिर है ऐसे तो नहीं आती, आपके रुपए के अगेंस्ट नहीं आती, आपको डॉलर देना पड़ता है, और डॉलर कमाने के लिए आपको एक्सपोर्ट बढ़ानी पड़ती है। मैं लोन लैन गया तो कहते जो सारी गवर्नमेंट ला गई तुम खदर ला जाओ लोन या लोन। और फिर इन्होंने लोन नहीं ली, इन्होंने बग्स बनी की स्वेटर उतार ली। बग्स बनी की स्वेटर, ये एक नया आया है आपके ऊपर। सर मेरे ये बड़ा कुछ आना, ये 35 मिनट पे नहीं। वैसे उन्होंने तो कह दिया कि उनको बग्स बनी याद आ रहे हैं, आपका क्या ख्याल है? आप तो फैशन से ताल्लुक रखती हैं। बिल्कुल भी नहीं, वो हनी भी बिल्कुल सही कहा उन्होंने, बल्कि यहाँ से भी कुछ नियॉन हनी भी है। दोनों हनी बीज हैं, दोनों हनी बीज हैं। देखें अब ये भी एक तरीका है कि कोई किसी तरह तो आपको हनी कहे। सही बात है क्या? लेकिन तुसी हनी ना कहो। अच्छा ताड़े मुझे भी बुरा लग रहा है। आप जरा कहिएगा हनी, कहिएगा हनी। तुसी हनी कहने लग रहा, मकान खाली कराना है। मेरे मुंह से हनी अलबेला ही ठीक है मैडम।